शुरुआत करांगा प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान के आधुनिक इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल आंदोलन और हर एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और छोटे एग्जाम में तो लगभग ये पूछ लिया जाता है कि इस प्रजामंडल का संस्थापक कौन है या इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। लेकिन जो बड़े एग्जाम है उसमें अध्यक्ष है, सचिव है, या उसमें प्रजामंडल में कौन कौन से दिवस मनाए गए, कौन कौन सी महिलाओं ने भाग लिया, कौन कौन इसमें शामिल था, या इस व्यक्ति का किस किस प्रजामंडल से संबंध है, इन सारी बातों की अपने यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रजामंडल से पहले किस रियासत में कौन कौन सी संस्था थी उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। और एक ये निवेदन है कि किसी भी बुक का केवल कवर देखकर उसके बारे में आकलन मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको इसमें लगे कि कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है या आपके काम की चीज़ है या वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात करते हैं प्रजामंडल आंदोलन की। और सबसे पहले अगर अपने बात करें प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है, जैसे अपने पढ़ते हैं किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, तो किसान आंदोलन यानी किसानों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन वो किसान आंदोलन हो गए। मजदूर आंदोलन में मजदूरों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन, तो उसी प्रकार से प्रजामंडल आंदोलन यानी किसी रियासत में प्रजा के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन। और प्रजा की बात करें तो जो किसानों के द्वारा किए जाते हैं वो किसान आंदोलन की श्रेणी में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रजामंडल आंदोलन में किसानों ने भाग नहीं लिया, इनके भी अपनी मांग थी। किसान है, मजदूर है, इसके अलावा अन्य जो राजनीतिक कार्यकर्ता है और इसके अलावा समाज के अन्य वर्ग जैसे कारीगरी करने वाले हैं, लोहे का काम करने वाले हैं, तो सारी की सारी जो एक रियासत की जो प्रजा होती है इस प्रजा के द्वारा मंडल बनाई गई यानी परिषद बनाई गई या संस्थाएं या संगठन बनाई गई। तो प्रजाओं के द्वारा ये जो मंडल है, परिषद है, संगठन है, इन सभी ने मिलके जो आंदोलन किए उसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ये तो हो गया इसका अर्थ कि प्रजामंडल आंदोलन यानी एक रियासत के जो समस्त प्रजा के लोग थे वो एक परिषद या एक संगठन के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए या अपनी मांगों को मनवाने के लिए उस रियासत के शासक के विरुद्ध जो आंदोलन करता है उसे प्रजामंडल आंदोलन कहा जाता है। ये तो था इसका अर्थ। अब ये प्रजामंडल आंदोलन क्यों किए गए या इसके उद्देश्य क्या थे, तो ध्यान रखें राजस्थान की उस समय टोटल 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अपने बात करें एकीकरण से जस्ट पहले, क्योंकि प्रजामंडल शुरू होता है 1931 से लेके और ये चलेगा 1947 तक, 1948 तक भी चलेगा, लेकिन स्थापना की दृष्टि देखें तो सबसे अंत में जो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है वो 1947 में होती है। हालांकि इस प्रजामंडल के द्वारा जो मांगे रखी गई थी वो कुछ मांगे 1948 तक यानी एकीकरण से जस्ट पहले तक चल रही थी, लेकिन जैसलमेर रियासत की बात करें तो उसने प्रजामंडल के द्वारा जो उत्तरदायी शासन की मांग की गई थी उसे स्वीकार ही नहीं किया, तो वो एक बात अलग है। तो एकीकरण से जस्ट पहले देखें तो अपनी 19 रियासतें और 3 ठिकाने, और इन 19 रियासतों में टोटल 19 प्रजामंडलों की स्थापना हुई। प्रजामंडल यानी प्रजा के जो संगठन है, जो परिषद है। दूसरी बात, इस 19 रियासत में एक रियासत ऐसी भी थी जहां पर प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, तो वो थी टोंक। अब अगर टोंक को निकाल दें तो पीछे रियासतें 18 बच जाती है, प्रजामंडल 19 है, ये भी एक समझने वाली बात है। इसका कारण ये है कि अपनी बात करते हैं कोटा जो कि एक अलग प्रजामंडल था, इसके अलावा बूंदी, और इसी में अगर बात करें झालावाड़ की,
इन तीनों के अपने अपने अलग प्रजामंडल थे, लेकिन यहाँ पर एक और प्रजामंडल जिसका नाम था हाड़ोती प्रजामंडल की स्थापना होती है। और यहाँ पर एक अलग से हाड़ोती प्रजामंडल की जब स्थापना हुई तो इस प्रकार 19 रियासतों में, अगर टोंक को छोड़ दे तो 18 रियासतों में कुल 19 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। ये तो हो गई पहली बात। अब इस प्रजामंडल की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। देखा जाए तो प्रजामंडल, जो सभी प्रजामंडल है, टोटल 19 प्रजामंडल, इन सभी में एक दो बातें या लगभग बातें कॉमन है। जैसे पहला इनका उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। क्या होता है उत्तरदायी शासन? यानी उस समय रियासतों में प्रशासन और शासन सारा का सारा राजा के हाथ में होता था। जो शासक होता था, मेवाड़ में महाराणा है, कोटा में महाराव है, जयपुर में महाराजा है, तो इन सबके हाथ में जो प्रशासन था, तो एक प्रकार से निरंकुश शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, जिसमें प्रजा का कोई योगदान नहीं था, प्रजा की कोई भूमिका नहीं थी। नियम कानून बनाना राजा का काम, राजा उनको लागू करता, कर बढ़ाने का काम राजा का, राजा उसको लागू करता, ये सारे के सारे जो काम कर रहा था राजा। तो जनता की ये मांग थी कि हमें भी प्रशासन में भागीदारी मिलनी चाहिए, यानी प्रशासन में प्रजा के द्वारा कुछ चुने लोग हों, उन चुने लोगों को प्रशासन में शामिल किया जाए जो कि राज्य की नीति का निर्माण करेंगे। तो प्रजा की भागीदारी स्थापित करना, यानी एक उत्तरदायी शासन स्थापित करना, ये प्रजामंडल सभी प्रजामंडलों की एक कॉमन मांग थी, और सबसे महत्वपूर्ण मांग ही यही थी। इसके अलावा जो भू राजस्व लिया जाता था, इस भू राजस्व में अनेक अनियमितताएं थी, भ्रष्टाचार था, लगान वृद्धि की जाती थी, अकाल कार्य में जब अकाल वगैरह पड़ता तो भी कोई सहायता नहीं मिलती थी। तो भू राजस्व है, लाग बाग है, इन सभी में जो अनावश्यक वृद्धि की जाती है उसको कम किया जाए। और तीसरा, अत्याचार समाप्त हो, क्योंकि प्रजामंडल आंदोलनों से जस्ट पहले किसान आंदोलन हुए, सबसे प्रमुख बिजोलिया किसान आंदोलन, डेंगू किसान आंदोलन, तो वो सारा का सारा कारण था भू राजस्व, लाग बाग, अत्याचार और अन्य प्रकार के लगानों को लागू करना। तो इन सभी को समाप्त करने का भी उद्देश्य इस प्रजामंडल के द्वारा रखा गया। इसके अलावा इसमें एक प्रथा चल रही थी, बेगार प्रथा, इस बेगार प्रथा को भी समाप्त करने का उद्देश्य इस प्रजामंडलों ने लिया था। तो मुख्य रूप से अगर बात करें सभी प्रजामंडलों की, कॉमन रूम से बात करें, तो उत्तरदायी शासन स्थापित करना ये प्रजामंडल का प्रमुख उद्देश्य था। भू राजस्व, लाग बाग और बेगार प्रथा, इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से हो, अनावश्यक वृद्धि ना हो, बेगार प्रथा बंद हो, और भू राजस्व के अलावा अन्य जितने भी लाग बाग कर, यानी छोटे छोटे कर लगा दिए जाते थे, इन सभी को समाप्त किया जाए और अत्याचार समाप्त किया जाए। तो ये कुछ प्रमुख उद्देश्य थे प्रजामंडलों की स्थापना के पीछे। इसके बाद ये सारा काम हो रहा था, इस समय भारत में चल रहा था राष्ट्रीय आंदोलन। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के द्वारा जन जागरूकता फैलाने, ब्रिटिश शासन का विरोध करने, इन सभी कारणों से कांग्रेस के द्वारा अधिवेशन किए जाते थे। इस अधिवेशन में राजनीतिक कार्यकर्ता भाग लेते, अपने अपने विचार प्रस्तुत करते, योजनाएं बनाते कि कैसे ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाया जाए या भारत में एक अच्छा प्रशासन लागू कर किया जाए। ये सारे अधिवेशन हो रहे थे, इसी समय एक अधिवेशन हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, और ये होता है 1938 में। हरिपुरा अधिवेशन में भारत के सभी रियासतों के, या यों के मुख्य रियासतों के अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। और इन रियासतों में इन कार्यकर्ताओं ने ये मांग रखी थी कि रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना की जाए, जो उत्तरदायी शासन दे, निरंकुश शासन के विरुद्ध भाग ले,
जनता को जागरूक करे, जन जागृति फैलाए, निरंकुश अत्याचारी भारतीय राजाओं और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भी आंदोलन करे। तो मुख्य उद्देश्य था प्रजामंडल आंदोलन, यानी प्रजामंडलों की स्थापना करना और हरिपुरा अधिवेशन में प्रजामंडलों की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित हुआ। प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव पारित 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और इसके द्वारा प्रजामंडलों में यानी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। और 1938 में ये प्रस्ताव पारित होने के बाद अपने राजस्थान में भी अनेक प्रजामंडलों की स्थापना होती है। 1938 के बाद लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन इस 1938 से पहले देखें तो 5 रियासतों में प्रजामंडलों की स्थापना हो चुकी थी हरिपुरा अधिवेशन से पहले ही। और राजपुताना में अगर बात करें सबसे पहले वो रियासत जहां पर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, तो पहली रियासत थी जयपुर। और बात करें तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले हो चुकी थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है 1931 में। हालांकि इसी समय बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना होती है। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में होती है, जयपुर की भी 1931 में होती है, लेकिन प्रजामंडल की स्थापना जयपुर की पहले हो जाती है। इसके कोई 2-4 महीने बाद बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल अपने पढ़ेंगे जयपुर प्रजामंडल। इससे पहले अपने इसका अर्थ देख लिया, यानी प्रजा के द्वारा एक परिषद संगठन बना के जो आंदोलन किए गए रियासती शासकों के विरुद्ध, उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहा गया। कुल अपने 19 प्रजामंडलों की बात करेंगे। टोंक एकमात्र ऐसी रियासत है जिसमें प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई। इसके उद्देश्य की बात करें तो उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, भू राजस्व लगान और बेगार प्रथा इसको समाप्त करना और अत्याचारों की समाप्ति करना, प्रशासन में मुख्य रूप से उत्तरदायी शासन यानी जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। और प्रजामंडलों की स्थापना का प्रस्ताव कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938 में पारित हुआ था। तो ये था प्रजामंडलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि प्रारंभिक है। इसके बाद अपने बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। और प्रजामंडलों में अपनी बात करेंगे कि प्रजामंडल की स्थापना हुई उससे पहले क्या था, कौन कौन सी यहाँ संस्थाएं थी, किस किस ने जन जागृति का कार्य किया, कौन कौन व्यक्ति तो इसमें शामिल है, कौन सी महिलाएं शामिल है, ये सारी की सारी अपनी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, राजस्थान की राजधानी भी जयपुर है, इसलिए सबसे पहला हक बनता है जयपुर प्रजामंडल को पढ़ने का। इसके अलावा राजस्थान में स्थापित प्रथम प्रजामंडल भी जयपुर प्रजामंडल था। इसके अलावा जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि किन प्रजामंडलों की स्थापना 2 बार होती है, किन प्रजामंडलों की स्थापना राज्य से बाहर यानी उस रियासत से बाहर होती है, ये सारी की सारी बातें अपने पढ़ेंगे लास्ट में। और कुछ बातें तो इसमें आ ही जाएगी, जब प्रजामंडल पढ़ेंगे उसी समय आ जाएगी, तो जो बाकी बच जाएगी उनको अपने लास्ट में करेंगे। जयपुर प्रजामंडल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1931 में। स्थापना करने वाले व्यक्ति थे कपूर चंद पाटनी और इनके सहयोगी थे जमुना लाल बजाज। उन्नीस सौ इकतीस में कर्पूरचंद पाटनी और जमुना लाल बजाज के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। लेकिन इस प्रजामंडल से पहले भी अगर जयपुर में जन जागृति की बात करें कि जन जागृति किसने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर की थी, लोगों को जागरूक किया था, तो अपने जयपुर प्रजामंडल के साथ एक व्यक्ति को पढ़ना पड़ेगा जिनका नाम है अर्जुन लाल सेठी। क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, देखो भी अपने पढ़ने को सीधा पढ़ लेते हैं जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, क्या हुई, कैसे हुई, लेकिन क्योंकि ट्रेंड चल रहा है इसलिए अपने प्रजामंडल से पहले अगर कोई उस रियासत में संस्था थी तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। अर्जुन लाल सेठी की बात करें तो जयपुर में एक सुनिश्चित तरीके से
अगर प्रशासन का या शासक का विरोध किया था या जनता में जागृति पैदा की थी तो वो अर्जुन लाल जी सेठी थे। इन्होंने 1907 में जयपुर में एक जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी। और ये जैन वर्धमान विद्यालय उस समय क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण का केंद्र हुआ करता था। तो अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा जनता में जो जागृति पैदा की गई, प्रशासन के जो मतलब जनता के द्वारा जागृति पैदा की गई, 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की गई अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, और यहाँ पर क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा अपने को बात करनी पड़ेगी श्री हीरा लाल शास्त्री के बारे में। और हीरा लाल शास्त्री ने जयपुर की जनता में जागृति पैदा करने के लिए एक सभा की स्थापना की थी जिसे कहा जाता है जयपुर हितकारिणी सभा। और इसी के साथ आर्य समाज के माध्यम से भी यहाँ पर सुधार के कार्य किए, जनता को जागरूक किया गया। और उसके बाद अगर अपने बात करते हैं जमना लाल जी बजाज, जो कि गांधी जी के पांचवें पुत्र भी माने जाते हैं, तो जमना लाल बजाज के द्वारा यहाँ पर एक चरखा संघ की स्थापना की जाती है। और इस चरखा संघ का प्रमुख कार्य था खादी का प्रचार प्रसार करना। तो ये प्रजामंडल से स्थापित कुछ पूर्व संस्थाएं हैं, जैसे जैन वर्धमान विद्यालय अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1907 में स्थापना की जाती है, जयपुर हितकारिणी सभा की स्थापना, और इसके आर्य समाज के माध्यम से हीरा लाल शास्त्री ने जन जागृति का कार्य किया था, और जमना लाल बजाज ने एक चरखा संघ की स्थापना की थी जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान खादी के प्रचार प्रसार का कार्य करती थी। तो ये थी जयपुर प्रजामंडल से पूर्व स्थापित संस्थाएँ। तीन प्रमुख संस्थाओं का अपने यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हो गई कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा, लेकिन इसे सफलता नहीं मिली। और जब सफलता नहीं मिली तो 1937 तक इसका प्रभाव से समाप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका प्रभाव समाप्त हुआ। अब प्रभाव समाप्त हुआ तो इसके पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी, और 1937 में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया। और इस बार पुनर्गठन का कार्य किया था जमना लाल बजाज और इनके सहयोगी थे हीरा लाल शास्त्री। तो अब ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन गया है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस प्रजामंडल की स्थापना दो बार होती है, तो वहाँ पर आपको जयपुर प्रजामंडल भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बार 1931 में प्रभाव समाप्त हो गया, जनता में ज़्यादा प्रभाव स्थापित नहीं हो पाया, इसी कारण 1937 में इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया जमना लाल बजाज और हीरा लाल शास्त्री। और जब पुनर्गठन किया तो जमना लाल बजाज बने इसके अध्यक्ष, हीरा लाल शास्त्री बने इसके सचिव, और इस बार कपूरचंद जी पाटनी इनको बनाया गया संयुक्त सचिव। और इसके अलावा एक और व्यक्ति थे चिरंजी लाल मिश्रा, इनको बनाया गया उपाध्यक्ष। तो ये चारों ध्यान में रखने की आवश्यकता है। 1937 में जब पुनर्गठन किया गया तो यहाँ पर जमना लाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया, हीरा लाल शास्त्री इसके सचिव बने, और कपूरचंद पाटनी संयुक्त सचिव, और चिरंजी लाल इसके उपाध्यक्ष बने। इतना कुछ होने के बाद जब इसका पुनर्गठन हो गया तो इसका अधिवेशन भी होना था। इस पर जयपुर सरकार द्वारा प्रतिबंध भी लगना था, क्योंकि ये उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे, और मांग करेंगे तो वो जयपुर के महाराजा को अच्छा नहीं लगेगा। तो
पुनर्गठन होने के बाद ध्यान रखना भी 1937 में पुनर्गठन हो गया और अब इसके द्वारा किए गए प्रमुख कार्य है, कौन कौन से अधिवेशन है, ये सारी अपने चर्चा करेंगे। इसके बाद 8 और 9 मई 1938 को इसका पुनर्गठन इसका प्रथम अधिवेशन होता है जयपुर में। आठ नौ मई 1938 को इस जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन होता है, जयपुर में होता है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान पुलिस 14 जुलाई 2018 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे। तो इस समय 1938 में होता है जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन और इस समय अध्यक्षता की थी, लिख देता हूँ, अध्यक्ष थे जमुना लाल बजाज। उन्नीस सौ 38 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। 8 और 9 मई 1938 को प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जमुना लाल बजाज ने। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आजकल महिलाओं से संबंधित भी पूछा जाता है, कौन कौन सी महिलाएं किस किस प्रजामंडल से संबंधित थी। अगले ही दिन 10 मई 1938 को एक होता है महिला सम्मेलन और ये महिला सम्मेलन जयपुर का ही एक स्थान है, नथमल का टीला। इस नथमल का टीला नामक स्थान पर महिला सम्मेलन हुआ और इस महिला सम्मेलन को संबोधित किया था कस्तूरबा गांधी ने। इस महिला सम्मेलन को संबोधित करने का कार्य किया था कस्तूरबा गांधी ने। तो ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुलाई 2018 के पुलिस एग्जाम में इसका अध्यक्ष पूछा था, हो सकता है इस बार पूछ ले महिला सम्मेलन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की या उसको संबोधित किसने किया। कस्तूरबा गांधी ने महिला सम्मेलन को संबोधित किया था जो 10 मई 1938 को हुआ था। ये होता है नथमल का टीला, एक स्थान है जयपुर में वहाँ पर। इसके ठीक 20 दिन बाद 30 मई 1938 को जयपुर की जो सरकार थी, जयपुर के जो महाराजा थे, इन्होंने इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया और इस प्रजामंडल के द्वारा सभा करने, भाषण देने और लोगों को ये प्रजामंडल की सदस्यता लेने को अवैध माना। इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब प्रतिबंध लगा दिया तो एक बार के लिए ये जो प्रजामंडल है ये एक बार अपना कार्य रोक देगा। अवैध होने के बाद अगस्त 1939 में, यानी करीब 1.25 साल बाद, इस प्रजामंडल को जयपुर सरकार के द्वारा मान्यता दी गई। तो प्रजामंडल की जब स्थापना होती है 1937 में स्थापना होती है, प्रथम अधिवेशन 1938 में होता है और इस अधिवेशन के लगभग 20-22 दिन बाद इसको अवैध घोषित कर दिया। 1.25 साल के लिए ये अवैध रहा और अगस्त 1939 में इसे मान्यता मिली, यानी जयपुर प्रजामंडल को जयपुर सरकार के द्वारा मान्यता दे दी गई। अब अगस्त 1939 में जब मान्यता मिली तो इसके बाद इसके दूसरे और तीसरे अधिवेशन होते हैं। अगस्त 1939 में ये वापिस अपना कार्य करने लग जाता है क्योंकि सरकार के द्वारा इसे मान्यता मिल जाती है। और मान्यता मिलने के बाद 25 मई 1940 को इसका दूसरा अधिवेशन होगा और ये दूसरा अधिवेशन जयपुर में होता है। 25 मई 1940 को इस जयपुर प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया जाता है और इसके बाद अगस्त 1941 में इसका तीसरा अधिवेशन भी होता है और तीसरा अधिवेशन आयोजित किया गया था सीकर में। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है कि जयपुर प्रजामंडल का कौन सा अधिवेशन जयपुर में नहीं हुआ,
तो इस जयपुर प्रजामंडल का जो तीसरा अधिवेशन अगस्त 1941 में होता है वो जयपुर में ना होकर सीकर में होता है। तो इसके तीन तो ये प्रमुख अधिवेशन है, पहला 8 और 9 मई 1938 को, दूसरा मई 1940 में होता है, और तीसरा अगस्त 1941 में जो कि सीकर में आयोजित होता है। इसके बाद अगर अपनी बात करें, इस समय भारत में अगस्त 1941 आ गया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा था, और इसी आक्रोश में 1942 का आंदोलन चलता है, भारत छोड़ो आंदोलन। एक बार जयपुर प्रजामंडल में ये अधिवेशन करवा के अपने चलते हैं इंडिया लेवल पर। 1942 में आंदोलन चला था भारत छोड़ो आंदोलन, और इस भारत छोड़ो आंदोलन में पूरे भारत से जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी। अब अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी तो अंग्रेज़ों का दबाव था राजा महाराजाओं पर, तो यहाँ जयपुर में भी इसका प्रभाव पड़ना था। इस समय अगर जयपुर प्रजामंडल के सक्रिय नेताओं की बात करें तो जमनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, ये कुछ प्रमुख सक्रिय नेता थे। और इस समय अगर जयपुर के पीएम की बात करें तो उसका नाम था मिर्जा इस्माइल, जो कि इस समय जयपुर का पीएम था। इधर जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो इस भारत छोड़ो आंदोलन में राजपूताना के भी अनेक रियासतों से जनता ने भाग लिया था, और जनता ने भी भाग लिया था, प्रजामंडलों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध भाग लिया था। तो यहाँ पर जब जयपुर प्रजामंडल की प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो जमनालाल बजाज, इसके अलावा हीरालाल शास्त्री, इन्होंने भी जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन करने का विचार किया। और जब समर्थन करने का विचार किया तो इन्होंने ये उत्तरदायी शासन करने की मांग रखी थी। इधर जयपुर के महाराजा पर अंग्रेज़ों ने दबाव बना रखा था, और जयपुर के महाराजा के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने जयपुर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को उत्तरदायी शासन की मांग स्वीकार करने का आश्वासन दिया, और ये भी आश्वासन दिया कि हम जल्दी ही जयपुर में प्रजामंडल के द्वारा जो मांग है उत्तरदायी शासन स्थापित करने की, वो मांग पर अपने विचार करेंगे। लेकिन प्रजामंडल अब इस भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं करेगी, जयपुर में कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए, और इसी बात को लेकर हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता होगा, और इसी समझौते को कहा गया था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जयपुर प्रजामंडल इस आंदोलन में भाग ना ले, इसीलिए मिर्जा इस्माइल के द्वारा हीरालाल शास्त्री के साथ एक समझौता किया गया। इस समझौते में उत्तरदायी शासन स्थापित करने का आश्वासन दिया, और प्रजामंडल ने भी आश्वासन दिया कि हम इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे, और दोनों के मध्य जो समझौता हुआ उसे कहा जाता है जेंटलमैन एग्रीमेंट। और ये जो जेंटलमैन एग्रीमेंट है ये होता है 16 सितंबर, जेंटलमैन एग्रीमेंट 16 सितंबर 1942 को होगा। ये लो जी, 16 सितंबर 1942 को जेंटलमैन एग्रीमेंट हो गया, हीरालाल शास्त्री और जयपुर के पीएम मिर्जा इस्माइल के मध्य हो गया, और इसमें कुछ एक शर्तें रखी गई, कुछ एक प्रमुख बिंदु थे। पहला बिंदु तो ये था कि जयपुर प्रजामंडल अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा। दूसरी इसकी मांग ये थी, जो प्रमुख बिंदु था इस जेंटलमैन एग्रीमेंट का, वो ये था कि अगर जयपुर के बाहर का कोई आंदोलनकारी जयपुर में आएगा तो उसे प्रवेश लेने में कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यानी जयपुर में प्रवेश कर सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि जयपुर के पास वाली जो रियासत है उसने इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया हो और वो जयपुर आए तो उसे रोक ले। तीसरा, युद्ध समाप्त होने के बाद, सॉरी, ये जो आंदोलन है ये समाप्त होने के बाद एक उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाएगी, और इन प्रमुख दो तीन बातों को लेके ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हो जाता है। प्रमुख यही है, कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है, जयपुर प्रजामंडल में होता है, और 16 सितंबर 1942 को होता है, और इसी एग्रीमेंट के बाद जयपुर प्रजामंडल ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। तो
ये भी एक जयपुर प्रजामंडल का महत्वपूर्ण तथ्य है कि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अब जब भाग नहीं लिया तो जाहिर सी बात है कि इस जयपुर प्रजामंडल में भी मतभेद होने थे, क्योंकि इसमें कुछ लोग आंदोलन करने के पक्ष में थे, जबकि जो जेंटलमैन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाले थे, जैसे हीरालाल शास्त्री है, जमनालाल बजाज है, ये कुछ अलग, ये आंदोलन नहीं करने के पक्ष में थे। तो जो आंदोलन करने के पक्ष में थे वो इस समय इस प्रजामंडल से अलग हो गए और उन्होंने एक अलग दल की स्थापना की गई जिसे कहा जाता है आज़ाद मोर्चा। और एग्ज़ाम का मुझे पता नहीं थोड़ा, बाकी एक एग्ज़ाम में ये पूछा हुआ है कि आज़ाद मोर्चा की स्थापना किस प्रजामंडल में या किस रियासत में की गई, तो जयपुर प्रजामंडल में, जयपुर रियासत में आज़ाद मोर्चा की स्थापना की गई। और इसके आज़ाद मोर्चा की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य था कि जयपुर प्रजामंडल ने जब इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया तो इस आज़ाद मोर्चा के लोगों ने अपना अलग मोर्चा बनाया और इस आज़ाद मोर्चे ने इस आंदोलन में भाग लिया था। अब बात करते हैं इस आज़ाद मोर्चा की स्थापना करते हैं बाबा हरिश्चंद्र। इनके प्रमुख सहयोगी थे दौलतमल भंडारी, इसके अलावा हंस डी राय, एक थे रामकरण जोशी। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में एक आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ और इस आज़ाद मोर्चा ने इस भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था, जबकि जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। अब इस आज़ाद मोर्चा ने भाग ले लिया, आंदोलन हो गया, समाप्त भी हो गया, तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि आज़ाद मोर्चा का वापिस विलय इस जयपुर प्रजामंडल में कब हुआ, तो इस आज़ाद मोर्चा का 1945 में विलय हो गया, यानी मतभेद दूर हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया और मतभेद दूर होने के बाद ये आज़ाद मोर्चा वापस इस जयपुर प्रजामंडल में शामिल हो गया 1945 में। तो इस आज़ाद मोर्चा का कार्यकाल रहता है 3 वर्ष। जेंटलमैन एग्रीमेंट के बाद 1942 में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ और 1945 में इसका वापस विलय हुआ। प्रमुख इसके संस्थापक की बात करें तो बाबा हरिश्चंद्र इस आज़ाद मोर्चा के संस्थापक थे। तो ये था जयपुर प्रजामंडल का इस समय का कार्यकाल। अब इसके बाद जेंटलमैन एग्रीमेंट के मुताबिक यहाँ पर उत्तरदायी शासन स्थापित होना था और महाराजा ने यहाँ पर उत्तरदायी शासन स्थापित करने की अनुमति भी दे दी। अब यहाँ पर जयपुर महाराजा ने एक धारा सभा का निर्माण किया। एक धारा सभा बनाई यानी उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए, और इस धारा सभा में 2 प्रतिनिधि दल होने थे, जैसे एक थी प्रतिनिधि सभा और एक स्थापित की गई विधानसभा। इसके बाद यहाँ पर यह धारा सभा की स्थापना होती है 1945 में। जयपुर महाराजा के द्वारा 1945 में एक धारा सभा का गठन किया गया जिसके 2 सदन थे, प्रतिनिधि सभा और विधानसभा। और इस धारा सभा के बाद जयपुर में चुनाव हुए जिसमें प्रजामंडल को सफलता नहीं मिली। फिर भी इस धारा सभा में प्रजामंडल के 2 प्रतिनिधियों को शामिल किया गया। और इन 2 प्रतिनिधियों की अपने अगर बात करते हैं, प्रतिनिधि सभा में महाराजा के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे डायरेक्ट, और इस विधानसभा का चुनाव हुआ लेकिन इस विधानसभा के चुनाव में जयपुर प्रजामंडल को सफलता नहीं मिली। इसके बाद इस विधानसभा में प्रजामंडल के 2 सदस्यों को नियुक्त किया गया, यानी 2 सदस्यों को इस धारा सभा के द्वारा जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, इस मंत्रिमंडल में प्रजामंडल के 2 सदस्यों को शामिल किया गया। एक तो थे देवी शंकर तिवाड़ी और एक थे दौलतमल भंडारी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जयपुर महाराजा के द्वारा जो एक
समिति या एक धारा सभा का निर्माण किया गया, एक मंत्रिमंडल बनाया गया। इस मंत्रिमंडल में प्रजामंडल को सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसके दो सदस्य देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी को इसमें शामिल किया गया। ये जो मंत्रिमंडल था इसका गठन होता है 15 मई 1946 को, और इस 15 मई 1946 को गठित होने वाले मंत्रिमंडल में दो सदस्य प्रजामंडल में थे, देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी। ये दोनों प्रजामंडल से संबंधित थे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि रियासत के द्वारा स्थापित किसी भी सभा में जो प्रतिनिधि सभा है, विधानसभा है, उसमें सबसे पहले गैर सरकारी व्यक्ति जिसको नियुक्त किया गया, या प्रथम गैर सरकारी व्यक्ति जिसे किसी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, तो वो थे देवी शंकर तिवारी। ये प्रथम गैर सरकारी सदस्य थे जो किसी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। और वैसे भी मंत्रिमंडल का गठन होता है 15 मई 1946, और जयपुर में जो जयपुर प्रजामंडल है इसमें मई महीने में सबसे ज़्यादा कार्य होती है। मई महीने की आप लिस्ट बनाओगे तो 5-6 फैक्ट आपको मई महीने के ही मिलेंगे। तो अगर कभी एग्ज़ाम में नौबत आ जाए तुक्का लगाने की, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मई महीने का उपयोग इस जयपुर प्रजामंडल में होता है। अब इस विधानसभा का निर्माण हो गया, देवी शंकर तिवारी और दौलतमल भंडारी इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल। इसके अलावा देवी शंकर के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया, हालांकि थोड़ा अलग फैक्ट है इसका, लेकिन फिर भी अपनी बात करेंगे। एक समाचार पत्र था लोकवाणी, और ये लोकवाणी समाचार पत्र देवी शंकर के द्वारा निकाला गया, और ये जमुना लाल बजाज के स्मृति में निकाला गया समाचार पत्र था, क्योंकि 1942 में जमुना लाल बजाज की डेथ हो जाती है, और डेथ होने के बाद देवी शंकर के द्वारा लोकवाणी समाचार पत्र भी निकाला गया। तो ये हो गया आपका मंत्रिमंडल का गठन। इसके बाद इसके बाद 27 मार्च 1947 को एक नया मंत्रिमंडल बनाया गया, और इस नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री बनाए गए हीरा लाल शास्त्री को। और हीरा लाल शास्त्री उस समय तक इस पद पर रहते हैं जब तक इस जयपुर का विलय नहीं हो गया, यानी जयपुर के विलय होने तक ये मंत्रिमंडल कार्य करता रहा हीरा लाल शास्त्री के नेतृत्व में। इसके बाद जयपुर प्रजामंडल के द्वारा कुछ दिवस मनाए गए, उनकी भी चर्चा करेंगे। कुछ महिलाओं ने भाग लिया, उनकी भी चर्चा करेंगे। और अब तक महिलाओं में अपने कस्तूरबा गांधी पढ़ चुके हैं। 10 मई 1938 को जो नथमल का टीला में महिला अधिवेशन हुआ था, उसमें महिलाओं को संबोधित किया था कस्तूरबा गांधी ने। इसके अलावा अपने बात करेंगे कुछ अन्य महिलाओं की। इसके अलावा अपने बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल के द्वारा मनाए गए दिवस। दिवस और महिलाओं की अपने बात करेंगे। 1 मार्च को मनाया गया था किसान दिवस, जयपुर प्रजामंडल में 1 मार्च को प्रतिवर्ष किसान दिवस मनाया जाता था। 1 मार्च के बाद 12 मार्च को मनाया गया था जयपुर दिवस, और इसके बाद 19 जून को मनाया गया सिक्कर दिवस। तो ये तीन दिवस भी याद रखने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि जयपुर प्रजामंडल में 12 मार्च को या किसान दिवस 1 मार्च को किस प्रजामंडल में मनाया गया, 19 जून को सिक्कर दिवस कहाँ मनाया गया। तो ये तीनों दिवस जयपुर प्रजामंडल में मनाए गए। इसके अलावा कुछ महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया था। पहली महिला का नाम है रमा देवी। इसके अलावा एक महिला थी रत्ना देवी, एक महिला थी सुमित्रा देवी, एक महिला का नाम था सुशीला देवी।
रमा देवी का पूरा नाम रमा देवी देश पांडे, और इनके अलावा अपनी बात करके आ चुके हैं कस्तूरबा गांधी। राष्ट्रीय स्तर पर कस्तूरबा गांधी ने महिला सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन जयपुर की महिलाओं की बात करें तो रमा देवी देश पांडे है, रत्ना देवी है, सुमित्रा देवी है और सुशीला देवी है। इन चारों महिलाओं का संबंध जयपुर प्रजामंडल से है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी ध्यान में रखा जाए। महिलाओं दिवस को भी याद रखना है। जयपुर प्रजामंडल का गठन हो गया, कौन कौन सदस्य थे प्रजामंडल से, पूर्व किन किन संस्थाओं का योगदान था जन जागृति लाने में, इसके बाद अपने पढ़ा जेंटलमैन एग्रीमेंट, अलग से आज़ाद मोर्चा, इसके अलावा प्रजामंडल के तीनों अधिवेशन कब हुए, कौन अध्यक्ष थे और उनके बारे में राजस्थान पुलिस 2018 में क्वेश्चन भी आया था, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखें। इसके बाद धारा सभा का निर्माण किया जाता है, धारा सभा में दो सदस्य प्रजामंडल से शामिल किए जाते हैं। इसके बाद एक नए मंत्रिमंडल का गठन होता है, हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री बनते हैं और बाद में हो जाता है जयपुर प्रजामंडल का विलय राजस्थान में, और इसके बाद ज़रूरत ही नहीं पड़ती प्रजामंडल की। तो जयपुर प्रजामंडल आपने आज अपने पूरा कर लिया। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल था, 1931 में इसकी स्थापना हुई। इसके अलावा दो बार जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, पहली बार 1931 में, उसके बाद पुनर्गठन होता है 1937 में। तीन चार लोग इसमें प्रमुख थे, हीरालाल शास्त्री है, जमनालाल बजाज है, कपूरचंद पाटनी है, तो ये सारे अपने पढ़ लिए। अर्जुन लाल जी सेठी का भी महान योगदान है जयपुर में। इन सभी के साथ अपना जयपुर प्रजामंडल होता है कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे मेवाड़ प्रजामंडल। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।